मित्रों, आज हमारे साथ रमाशंकर जी हैं। एमरजेंसी के समय की उस पीढ़ी को अगर याद करें तो आज के समय के बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लेखक, इंटेलेक्चुअल्स सभी हर क्षेत्र से उस दौरान निकले और जिन्होंने अपनी एक अलग गति और अपना एक अलग मकाम बनाया। आज हमारे बीच रमाशंकर जी हैं, जो कि उसी समय की उपज, उसी दौरान, उसी तनाव के उस समय से निकले हुए, उस समय का बना हुआ मानस उनका। अप्रत्याशितता हमारे देश में एक अलग मायने में उसका एक महत्व है और इस अप्रत्याशितता से हम अभी अभी गुजरे ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में जो अप्रत्याशितता का जो एक अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल का जो रोल रहा है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैं उस संदर्भ की बात नहीं करूंगा, संदर्भ रमाशंकर जी आप ही दे दें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो मेरे ऊपर दबाव है अशोक जी का, क्योंकि एक्सपर्टीज तो असल में उनकी है, मैं कई चीजों का गुणवत्ता का दबाव आजकल कम लोगों पे होता है। नहीं, बहुत दबाव है मेरे ऊपर क्योंकि कला, साहित्य, संस्कृति के साथ साथ प्रशासन और राजनीति, इस सब का अनुभव उनका जाहिर है कि ज़्यादा है, मेरा फील्ड का ज़्यादा है। वो सन 1969 में करीब करीब वही हालत थी जो आज है, आज मतलब आज के दिन है। प्रतिपक्ष करीब करीब संख्या बल में शून्य था, लेकिन मुखरता में बहुत शक्तिशाली था। ऐसा भी था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि बमुश्किल 7 सांसद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के और 3-4-5 वामपंथ के, और विराट बहुमत सत्ता दल का, और ख़ास तौर पे जब बांग्लादेश बना उसके बाद की जो पॉपुलैरिटी थी इंदिरा जी की, वो इतनी बड़ी थी कि उस, ये जो आज आंधी चली है करीब करीब वैसी आंधी हम लोग कई बार देख चुके हैं, इंदिरा जी के देख चुके, राजीव जी के देख चुके। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये अनप्रडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है जो जिंदा है, ये एक कारण इसका ये है कि हम लोग यानी जो अपने आप को समझते हैं कि वो इसके एक्सपर्ट हैं, राजनीति के या पत्रकारिता के या ज़मीनी आवाज़ सुनने के, वो कभी भी ज़मीनी आवाज़ सुन नहीं पाते हैं और इसलिए वो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी, अप्रत्याशित चीज़ों का होना होता रहता है, क्योंकि हम अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं खुद ही। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है, और उसके प्रति इतने प्रतिबद्ध रहते हैं कि हमारी आँखें धीरे धीरे जो साक्षात जगत है उसको देखना बंद कर देती हैं। नहीं तो आप, इसलिए अप्रत्याशित होता है। नहीं तो आप, ये आपका कहने का अर्थ ये है क्या कि ये जो ज़मीनी आवाज़ सुन सकने की जो हमारी क्षमता है, क्या वो समय के साथ कम हुई है, क्या वो क्षीण हुई है? नहीं, हम लोगों की क्या उसका ह्रास हुआ है? हमारी कम हो गई है। हमारी यानी व्यक्तिगत या सामाजिक? नहीं, व्यक्तिगत भी और उन लोगों की भी कम हुई है जो इस निज़ाम या इस विचार या पद्धति, विचार पद्धति, विचारधारा से असहमत हैं, उनकी भी कम हुई है। लेकिन इस बार बड़ा मज़ेदार रहा, इस बार ये मज़ेदार रहा कि मैं चूँकि चुनाव में, मैं राजनीति में नहीं हूँ, सबको मालूम है कि मैं नहीं हूँ, मैं था कभी, लेकिन मैं दिन में 4-6 बार ज़रूर बात करता था चुनाव के दौरान जो लोग फील्ड में घूम रहे हैं, पत्रकार लोग, उनसे, और उनको भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा कि क्या होने वाला है और ऐसा होने वाला है। ये एक पहलू है
जीवन लेकिन, का लेकिन रमाशंकर जी मुझे बताइए कि ये कैसी गति है कि आप राजनीति में थे, अभी आपने कहा आप नहीं हैं, आपने इतने बड़े शिक्षण संस्थान बनाए, आप उनके चांसलर रहे, अब आप नहीं हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं उसमें भी नहीं हूँ। आप पहले बीच में एक वक्फा था जब आप बड़े गहरे से सक्रिय थे कला क्षेत्र में, आर्ट गैलरी आपने बनाई, अब वो भी नहीं है। तो ये जो थे का जो भाव है आपके साथ, ये बड़े केंद्र में बना हुआ है, ये कौन सी राजनीति है? मुक्तिबोध कहते थे पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? वो जो पार्टनर की जो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है ना, वही पॉलिटिक्स मजबूर करती रहती है रास्ता बदलने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की थी तो उस समय जयप्रकाश नारायण जेपी हम लोगों के नेता होते थे, आदर्श होते थे, और उन्होंने एक बार कहा कि पढ़ाई छोड़ दो और राजनीति में आ जाओ, तो हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए। कम ही लोगों ने छोड़ी, लेकिन मैंने छोड़ी। तो 1972 में 73 में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, उसके बाद 74 में बिहार से शुरू हुआ छात्र संघर्ष, स्टूडेंट्स का आंदोलन चला। उसके बाद वो नौबत आई कि 1975 में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और उसके खिलाफ़ एक मूवमेंट चला। तो करीब करीब सभी लोग पकड़ गए थे, और मुझे वो खबर रात को 12:30 बजे किसी ने दे दी थी कि गांधी पीस फाउंडेशन पर नई दिल्ली में पुलिस आ गई है और जेपी को अरेस्ट कर रही है। तो मैं और 2-3 और लोग वो वहाँ से भाग गए थे, और भागे तो फिर भागे ही रहे, फिर अंडरग्राउंड मूवमेंट में रहे। तो आप जो आप अंडरग्राउंड टॉक्स करा रहे हैं, इसका अनुभव मुझे अंडरग्राउंड मूवमेंट का ज़्यादा है। तो ये बदलना भी बुरी बात नहीं। असल में मैं करते 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 एक बार कोई चीज़ को ऊब जाता हूँ। और राजनीति का दूसरा कारण था छोड़ने का, मेरे बस का नहीं रहा राजनीति में वो जी, क्योंकि 3 चुनाव लड़कपन में मैं कैसे जीत गया मुझे खुद नहीं मालूम। क्या आज कोई विश्वास कर सकता है कि उस ज़माने में एक भी कौड़ी जेब में नहीं होती थी? और लोकसभा का चुनाव लड़ा मैं पहला 1979 में, जो बमुश्किल 5,500-6,000 वोट से हरा, यानी प्रति पोलिंग बूथ 2.5 वोट का अंतर था, और उस समय इंदिरा जी की वापसी का ज़माना था, जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। तो कहाँ से पैसा, गांव से 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया ऐसे इकट्ठा होता था, 225,000 रुपये में पूरा लोकसभा का चुनाव निबट भी गया। और हम बड़े कॉन्फिडेंस में थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि जीत जाएंगे, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि गांव लोगों ने कहा कि बूढ़े बड़ों को तंग मत करो, उनको वोट डालने क्या जाना है, जीत तो गए ही हैं। उसके तुरंत बाद 80 में मुझे विधानसभा का चुनाव में लड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कोई नहीं कर सकता उसको, कि 1980 के विधानसभा चुनाव में चूंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर के ग्वालियर आके 7 दिन सोता रहा, जब तक कि उस क्षेत्र के लोग ढूंढ ढांड के मुझे पकड़ के कहा कि क्यों सो रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो या सो रहे हो? तो मैं कहा कैसे लड़ें, पैसा ही नहीं है, एक पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 13,000 रुपये हमने इकट्ठे किए हैं, 13,000, आप चलिए। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक राजदूत मोटरसाइकिल दे दो चलाने वाला, और मैं पीछे बैठ जाऊंगा बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, शॉफर ड्रिवन ना झंडा, हाँ शॉफर ड्रिवन। तो सिर्फ एक राजदूत मोटरसाइकिल से, आपको मतलब ये भी बता दूं कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था वो डकैतों का चंबल एरिया में, मध्य प्रदेश के चंबल एरिया के सबसे ज़्यादा जहाँ समस्या थी, क्योंकि वहाँ यूपी और मध्य प्रदेश का मिलान होता है, जालौन और ये सब, इटावा जालौन, चंबल भी है, यमुना भी है, 5 नदियाँ हैं, उसका बीहड़ है, रिमेन्स है उसकी। 13,000 रुपये में मैं 10,000 वोट से जीता, सिर्फ भाषण दे के, बात करके, मतलब भाषण नहीं, यानी सिर्फ बकवास वाला भाषण नहीं, जनता को ये बताना कि क्या कैसा सब कुछ बनेगा अगर हम लोग जीतेंगे।
तो उन आदर्शों के भरोसे तीन चुनाव जीत गए। मौखिक मैनिफेस्टो, एक जो मौखिक मैनिफेस्टो जो आजकल जो प्रिंटेड होता है वो आपके टाइम पे मौखिक संवाद के स्तर पर, संवाद सिर्फ संवाद में, और गांव के लोग उस समय इस हालत में थे कि वो जज कर लेते थे। और आज कोई इमेजिन कर सकता है कि 13,000 में विधानसभा जीत लेगा या 1,25,000 में लोकसभा हो जाएगा? आज 1,25,000 से लेकर 2,50,000 रुपए तक एक बूथ पर खर्च होता है, बूथ पर। एक लोकसभा में करीब 1,200 से लेकर 1,500 बूथ होते हैं, और विधानसभा में 125 से लेकर 150 के बीच होते हैं। उस समय अलग था, उस समय में राजनीति हम लोगों से करवाई गई, की हमने भी की, अच्छी की, लेकिन बदलना क्यों ज़रूरी हुआ? ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका छोटा सा जवाब ये है कि चौथे चुनाव में मुझे गांव के सब लोगों ने कहा कि भाई हम बेटे, अब हमारे लड़के तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? कि सबको ठेका चाहिए, सबको पैसा चाहिए, खेती में गुजारा होता नहीं, इनको रेत की खदानें चलानी हैं, इनको शराब बेचना है इल्लीगल गांव-गांव में, तो ये अब ये मानने वाले तुमसे हैं नहीं, ये और हमारी भी नहीं मानने वाले हैं। तो जब ये फैक्टर सामने आ गए कि आप समाज को करप्ट करके पैसा कमा के आप राजनीति में सफल हो पाएंगे, तो जिस काम के लिए हमारे जैसे उस समय सैकड़ों लोग आए थे पूरे देश भर में, वो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, तो फिर राजनीति छोड़नी पड़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोक जो था, जो लोक था, अब वो लोक स्तर पर ही एक किस्म की समाज में गड़बड़ हो गई है, लोक के स्तर पर गड़बड़ी हो गई है, वैल्यू सिस्टम खराब हो गया है, और इसको इस ये विलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशीष नंदी एक जगह कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबलाइज्ड कोई चीज़ हुई है तो वो आईडिया ऑफ क्राइम है, क्योंकि वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, अपने आप में बड़ा डिसिप्लिन है। आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में जो एक किस्म का डिसिप्लिन जो दिखाई देता है इन दिनों, हैज़ इट समथिंग टू डू विद द क्राइम और द मेंटेलिटी ऑफ क्राइम? नहीं, पूरा और द डिसिप्लिन ऑफ क्राइम। पॉलिटिक्स तो अब वो माफिया, क्राइम, पैसा, कॉरपोरेट मुनाफा, इसकी चेरी हो गई है, इसके पीछे चल रही है। असल मालिक दूसरे लोग हैं, असल मालिक वो नहीं हैं जो हमको और आपको दिखते हैं, असल मालिक दूसरे हो गए हैं। तो बड़ा ही कई बार ये अशोक जी भी कहते हैं, एक लोहिया जी का एक शब्द एक वो है, आखिरकार वो तो आज तो कुछ भी नहीं है, तब तो टकराहट बहुत बड़ी थी नेहरू के मुकाबले में, तो हर चुनाव हारते थे सोशलिस्ट पार्टी के लोग या और लोग, और तब वो बार बार कहते थे कि निराशा के कर्तव्य निभाने हैं। तो निराशा के कर्तव्य का समय 5 साल पहले भी था, अगले 5 साल भी है, और ये कर्तव्य हमको बहुत मजबूती से निभाने पड़ेंगे, बहुत ही मजबूती के साथ, वरना हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ और लोग जिस अंधेरे में जा रहे हैं उससे निकालने की जिम्मेदारी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप राजनीति भी क्यों बात कर रहे हो सिर्फ? नहीं नहीं, वो तो उसके बिना काम नहीं होगा, आपसे संवाद हो नहीं सकता। एक और राजनीति पर ही केंद्रित प्रश्न है कि जो अर्जेंसी थी, अर्जेंसी है, और जो एमरजेंसी थी, इन दोनों के बीच में आपको मूलतः अंतर क्या लगता है? देखिए, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड जो एक माहौल है, और अब तो वो एक लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके सामने है। इमरजेंसी उतनी वैसी थी नहीं जैसी बाद में बताई गई। मैं मजाक में भी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जितने दोस्त हमारे जेल गए, 18 महीना जेल रहे इमरजेंसी के दौरान, वो सब 4-4, 5-5 किलो वजन बढ़ा के जेल से निकले, और उनमें से कुछ लोग आज की अर्जेंसी में केंद्रीय रोल है उनका, उनका तो वास्तव में नहीं है जिनका बताया जा रहा है, उनका बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक याद दिलाऊं, ऐसे ही एक मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे थे आज से करीब 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार हुए गुजरात में, और वो सामने बैठे पत्रकार हाँ में हाँ कर रहे थे, ये जाने बगैर
कि इमरजेंसी के दौरान गुजरात में सरकार गैर कांग्रेसी जनता मोर्चा की बाबू भाई पटेल की सरकार थी, और पूरे हिंदुस्तान के वो वर्कर्स जो रेजिस्टेंस मूवमेंट के थे वो सब के सब जाके गुजरात में छुप गए थे। दो ही राज्य थे, तमिलनाडु और गुजरात, जहाँ इमरजेंसी का असर नहीं था। लेकिन अगर कोई गैर जानकारी है और गैर अनुभव है, उसका क्या इलाज कर सकते हैं। वो डेढ़ घंटा इंटरव्यू चला कि हमने क्या क्या भोगा इमरजेंसी में, जबकि मैं 100% इस चीज़ को जानता हूँ कि जो दावा कर रहे थे वो 100% झूठा था। उनका कोई रोल, कोई नाम, उस समय आरएसएस के लोग भी हमारे साथ थे, भाजपा तब नहीं थी, जनसंघ था, अन्य पार्टियों के लोग भी थे, लेकिन ये नाम मुझे गुजरात में रहकर भी कभी सुनाई नहीं पड़ा जिसका नाम नरेंद्र मोदी है रेजिस्टेंस मूवमेंट में। लेकिन क्लेम कोई करे और मीडिया कहे तो हम क्या करें, उसका कुछ नहीं कर सकते जी। तो तथ्यों के साथ छेड़खानी की बात नहीं है, गलत तथ्यों को स्थापित करने का भी, स्थापनाएं तो हो ही रही हैं लगातार। यह गलत के स्थापित होने का ही युग है, और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी उसको तोड़ने की भी है। हम उसको लगातार तोड़ें और मजबूती से तोड़ें। और हमारे जैसे लोगों की उम्र तो ज़्यादा नहीं है, 67 है, 75 के अशोक जी बैठे हैं, 78 के, क्या बात है, 11 साल बड़े हैं। तो 11 साल में जो उनका जज्बा है जी। मैं बताऊं, मैं उनके सामने कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इस समय के भारत के राजनीति और राजनीति के इतर सारे फील्ड्स में मैं उनको महानतम व्यक्तियों में मानता हूँ हर दृष्टि से। और वो अभी वैसे लोग मौजूद हैं तो हमें तो उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। पर रमाशंकर जी, एक ज़माना था जब आपने, मतलब आप तो डाकुओं को हैंडल कर लिया था, आपने तो 172 डाकुओं को आपने समर्पण करा दिया था। ये आज के समय के जो छद्मवेशी लोग हैं, इनके समर्पण की संभावना कैसे हो? मैं 2 मिनट, जो घोषित डाकू है वो तो आप उससे निपट लेंगे, लेकिन जो अघोषित डाकू हैं उनसे निपटने के लिए हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए? दोनों बातों में बोलूंगा, 2-2 मिनट ज़्यादा नहीं। अर्जुन सिंह से मेरी डील थी कि वो मेरा नाम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन वो माने नहीं, उसका बदला मैंने बाद में उससे लिया। मैंने कहा मैं सारा काम, देखिए मैं ये मानता हूँ एक नागरिक के नाते, चंबल के नागरिक के नाते, कि जितने उस समय डकैती समस्या भयानक थी। आप भी ग्वालियर का नाम सुनते होंगे, भिंड मुरैना का, तो अरे वहाँ रात को नहीं जाना, दिन को नहीं जाना, क्रॉस नहीं करना है, ऐसी बातें सुनते थे। और मैं उसको साक्षात देखता था कई बार, जब गांव के दौरे पर रात को निकल, दिन में रात में निकलते थे, तो हर जगह 15-20-25 खाकी बंदूक खाकी पहने हुए, तो साथ में कभी कभी, जैसे उदयन शर्मा साथ में 2-3 बार गए, तो उन्होंने कहा कि पुलिस बड़ी गश्त कर रही है आज। मैं कहा तुम्हें गलत फहमी है, ये पुलिस नहीं है, मैं रोक के बताता हूँ क्या है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने जाहिर है टॉर्च लगा के देखा, नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, तो उन्होंने कहा साहब रुक जाओ 2 मिनट, आपको चाय पिलाते वो चाय वाय का सब सामान लेके चलते अपने साथ। तो गांव-गांव में डकैत थे और गांव वाले बहुत परेशान थे। पहला तो उनको डकैतों को खाना खिलाना पड़ता था, उनको हार्बर करना पड़ता था, फिर पुलिस आती थी कि तुमने उनको खाना खिलाया, अब हमें कुछ खिलाओ, तो फिर उनको खिलाना पड़ता था, मतलब पैसा देना पड़ता था, क्योंकि कानून बन गए थे बड़े सख्त कि हार्बर करने वाले पर बगैर जमानत के बंद हो जाएंगे, जिसका आपको पता है कि मैंने बहुत सख्त विरोध किया था कि ऐसे कानून मत बनाइए जिनका मिसयूज इस प्रकार से हो सके, और उसका बहुत मिसयूज हुआ। तो साधारण जनता बड़ी परेशान थी, और उस समय बड़े बड़े गैंग होते थे। तो एक पत्रकार आए मिलने के लिए कि मेरा इंटरव्यू करा दो। मैं कहा मैं तो नहीं करा सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये करा सकते हैं, उस गांव में जाओ, फलाना आदमी है, वो उनके संपर्क में कर लेगा। और ऐसे वो बातचीत शुरू हुई कि उनकी भी इच्छा हुई डकैतों की, फिर उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं बीच में रहूँ। मैंने कहा मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, अगर आप बिना शर्त समर्थन करते हैं।
बिना शर्त, मतलब कोई ख़ास शर्त नहीं, और छोटी मोटी शर्तें होती हैं इन लोगों की कि परिवार को बंदूक का लाइसेंस दे दो, फलाने को छोटी सी नौकरी दे दो, ये होती हैं। नहीं, क्योंकि ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में जो एक इंटरलॉक्यूटर के जो रोल होता है, इंटरलॉक्यूटर्स तो खत्म होते जा रहे हैं। इंटरलॉक्यूटर देखिए, सत्ता जो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है या जिसका ध्येय होता है कि सब कुछ, सारी ताकत हमारे पास रहे, वो इंटरलॉक्यूटर्स को बर्दाश्त नहीं करती है। वो संवाद की किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करती है, डायलॉग को नहीं पसंद करती है। और इसलिए आपने देखा है कि जहाँ जहाँ समाज में थोड़ा विक्षोभ दिखता है, लोगों में दिखती है ऐसी बातें जिसको आप स्टेट पावर से किसी तरह से दबाना चाहते हो, वहाँ कहीं भी इंटरलॉक्यूटर नहीं है। ये भयानक समस्या है कि भारत में धीरे धीरे डायलॉग खत्म हो रहा है और रास्ता सिर्फ डायलॉग से है, संवाद से है, विमर्श से है, और कोई रास्ता नहीं है। आप कितनी बंदूकें, कितनी पीढ़ियों पर कितने लोगों को मारोगे? आप मारते जाओ, वो लोग मरते जाएंगे, तो सिपाही भी मरेंगे, सैनिक भी मरेंगे, जनता भी मरेगी, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, आग बनी रहती है। और इसलिए संवाद का होना, संवाद कराने वालों का होना, उनका एक किस्म से मध्यस्थता करना, और सरकार को ये सहेज के रखना चाहिए। अब नहीं है तो नहीं है, क्या करोगे? जेल, इमरजेंसी, राजनीति, कलाओं से कैसे? क्योंकि आप में से अधिकांश लोग एक चुनाव में आईटीएम गए नहीं हैं। नहीं, नहीं। आप अगर वहां जाएं तो एक आपको एक बड़ा खूबसूरत अनुभव होगा कि वहां पे देखिए, मैं बिना सिखाए एक ऐसा माहौल बना दिया गया है स्टूडेंट्स के बीच में। मैं अभी बड़ौदा में भी होके आया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, आर्किटेक्चरली वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एक माहौल वहाँ पे ऐसा है। मेरी कुछ छात्रों से भी वहाँ पे बात हुई और उसका सचमुच में एक बड़े गहरे उसका एक असर होता है। कम से कम वो अधिकांश उनमें से ये बात समझ गए कि वैंडलिज्म क्या होता है और नहीं करना चाहिए। उसका एक बिल्कुल ठीक, मैं बताता हूँ। देखिए, वो एक तो असर ये पड़ा जो आप बता रहे हैं कि करीब करीब दोनों कैंपसेज में हज़ारों पेंटिंग्स हैं जी, यंग लोगों की भी, सबकी, ज़्यादातर जिनके नाम बहुत बड़े नहीं हैं उन्हीं की हैं, और वह कैंप्स के दौरान ही बनी हैं, कुछ स्टूडियो से ली हैं। स्कल्पचर्स बड़े बड़े हैं दोनों जगह, वहाँ कैंप्स होते हैं, उनके सिंपोजियम्स होते हैं। लेकिन उसका एक नतीजा एकदम जो आपने बताया वो है कि सेंसिटिविटी डेवलप हुई है बच्चों में, और वो किसी पेंटिंग को उंगली लगा के भी नहीं छूते हैं कि इसका टच करके देखें कैसा है। ऐसे ही हाल मैंने, मेरी जानकारी में आज तक पिछले 15 वर्षों में, 22 साल हो गए, 17-18 सालों में कोई आर्ट वर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि हर क्लासरूम में, हर लैब में 4-6 उद्यमी होते ही हैं। हर क्लास में, हर लैब में 4-6 उद्यमी होते ही हैं, वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नहीं, वो लगी हुई है तो लगी हुई है, उसमें तो एक सेंसिटिविटी डेवलप हुई, तो ये एक अच्छा हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? एक चुनाव में बहुत बुरी तरह हारा, और सारे चुनाव में करीब ये 400-500 वोट से हारता रहा, ज़्यादा नहीं। एक चुनाव में हारा तो बहुत दुखी हो गए, बड़ी मैंने मेहनत से काम किया और बड़ी ईमानदारी से, तो दुख हुआ कि यार अब हार गए। तो मैं दिल्ली आ गया कुछ दिनों के लिए अपने मित्र के साथ, और मैं निपट गंवार ढोल समान, ढोल गंवार जैसे होते हैं वैसा, मुझे ना आर्ट के बारे में मालूम, ना म्यूज़िक के बारे में कुछ मालूम, बल्कि मैं उनसे करीब करीब दूर रहता था कि ये क्या है, ये आर्ट कैसे हो सकती है। उन लोगों में था जो, और शास्त्रीय संगीत का तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं सुनूं, ये वगैरह ये क्या संगीत है, तो भाग जाता था वहाँ से। लेकिन वो मेरे मित्र जो थे, उन्होंने चलिए आज वहाँ उनकी गैलरी में चलना है, श्रीधरानी आज वहाँ, आज यहाँ, सारी जगह। तो जबरन मुझे खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि मैं क्या करता, पूरे दिन क्या करता, ऐसे घूमता रहता था कि आप देख लो मैं बैठा हूँ। तो जब ज़्यादा समय लग गया तो थोड़ा देख लिया। ऐसे ही रविशंकर जी की, पंडित रविशंकर जी की एक
75वीं जन्म जयंती यहाँ सीरी फोर्ट में मनाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ सुनना है, रविशंकर जी आ रहे हैं सुनेंगे। चले गए, वहाँ उनके विदेशी शिष्यों ने एक 15-20 मिनट की एक फिल्म बनाई थी कुछ, जो उनके फॉरेन टूर्स को जोड़ जाड़ के कोलाज बनाया हुआ था, एक वीडियो कोलाज जैसा। तो बैठना है ही है, कोई काम है नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो जब वो वीडियो चला और उसमें रविशंकर जी का सितार बजा, तो अकस्मात मेरी रुलाई फूट गई, मैं रोने लगा बहुत जोर जोर से, और मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया है। लेकिन संगीत का वो पहला असर था जिसने मेरे को रुला दिया बुरी तरह से, इतना अच्छा संगीत। तो उस दिन मेरे को सूत्र पकड़ में आ गया, एक धागा पकड़ में आ गया संगीत का। तो अगले दिन फिर मैंने कहा कि सुना है कि एक आध दिन बाद बिस्मिल्लाह खां साहब आने वाले हैं, तो उसने मुझे एक तरफ ऐसे देखा कि हाँ आने वाले तो हैं, मेरे को चलना है। तो गए वहाँ पर, और उस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब ने जो शहनाई बजाई है, वो खुद भी उन्होंने कहा कि आज वो मैं सब बजा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं बजाया, और ऐसी सुंदर शहनाई बजी कि मैं फिर देखिए मैं राग वाग नहीं बता सकता हूँ जी, और न मैंने सीखने की कोशिश की है, इसलिए कि मैं देखता हूँ कई बार जो राग वगैरह ज़्यादा जानते हैं उनको आनंद कम आता है, और गंवारों को ऐसे संगीत में ज़्यादा आता है। तो मैं आज भी वैसे ही बना रहना चाहता हूँ कि मुझे तो बस संगीत का आनंद लेना है, क्या हुआ कहाँ गलती हुई वो थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शुरुआत में, लेकिन ऐसे ही इसका हुआ, आर्ट का हुआ। जाते जाते घूमते घूमते देखते देखते वो धागा पकड़ में, सूत्र पकड़ में आ गया, और जैसे ही सूत्र पकड़ में आता है फिर आप समझने लगते हो वो चीज़ें जो आपने कभी न पढ़ी न समझी न जानी, वो अंतर मन से होता है। तो इस तरह से संगीत और कलाओं की दुनिया मेरे लिए खुली, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो सबसे खूबसूरत दुनिया है जिसमें संगीत है, अच्छा संगीत है, चालू नहीं, अच्छी कलाएं हैं, सृजनात्मक कलाएं हैं, रचनात्मक कलाएं हैं, एकदम यूनिक कलाएं हैं, यूनिक मेथड्स हैं, यूनिक स्टाइल है सबकी, उसको जानना उसको देखना। और एक चीज़ में, और ख़ासतौर पे जब मैं लियोनार्डो दा विंची को पढ़ रहा था, तो एक चीज़ और समझ में आई जिसको हम लोग बड़ा कभी कभी अंडरएस्टिमेट करते हैं, कि इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ है जिस जो आपको आनंदित करती है, वो है भोजन। और भोजन का भी सूत्र अगर पकड़ में आ जाए, बल्कि किताब लिखी गई है कि दा विंची के तरीके कौन कौन से हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि तुमने क्या खाया, बताते हैं उसमें क्या था, तो नमक मिर्च तो सब बता देते हैं, नमक मिर्च हल्दी तो सबको दिखती है, और क्या था, मैंने कहा तुम्हें इनाम मिलेगा, चॉकलेट दूंगा मैं, एक बताओ और क्या था। तो वो और पर जब खाने के समय अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को फील कर सकते हैं, और यहाँ पहुँच सकता है इस सीपीयू में, वो भी आनंद अद्भुत है, और उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। मैं वैज्ञानिक बात नहीं करना चाहता हूँ कि मानव मस्तिष्क की विशेषता जो आज है वो कैसे बनी, तो उसमें साइंटिफिक रिसर्च भी हैं कि जो बताते हैं कि कुत्ते का दिमाग में इतने न्यूरॉन्स और फलाने में इतने न्यूरॉन्स और इतने न्यूरॉन्स, वो सब लंबी कहानियां हैं। तो मानव मस्तिष्क कैसे बनाइए जिसमें इतनी क्रिएटिविटी है, तो उसने कहा, उस लेडी रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, ये साबित करते हुए, और अंत के दृश्य में वो करी अपनी रसोई को साष्टांग करती है, नमस्कार करती है, कि ये जो कुक्ड फूड है अपनी रसोइयों में, इससे हमारा ये मानव का जो मस्तिष्क की जो विशेषताएं हैं या इसकी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उससे डेवलप हुई हैं। ये अगर ये बात
एकदम प्रूवन है तो भी ठीक है, और ना हो तो आनंद लेने में क्या कसर करना है। तो ये भी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और कि जैसा खाना अपने यहाँ है भारत में, वैसा खाना कम जगह है। एक आध जगह है टर्की वगैरह में है, लेकिन उतना सुंदर खाना कहीं नहीं है। और मैं आज कहीं कह भी रहा था, कहीं आज दोपहर के भोजन पर थाली का भोजन था, तो मैंने कहा जितने भारतीय थाली, भोजन थाली कंज्यूम करने वाले को, खाने वाले को जितनी ऑटोनॉमी देती है, उतनी ऑटोनॉमी कोई भोजन नहीं देता है। वो व्यक्ति को स्वतंत्र बना देती है। उस थाली में अगर 10 चीज़ें हैं तो किसको किसके साथ मिलाएगा और क्या टेस्ट बनाएगा, गठबंधन कैसा बनेगा। बिल्कुल गलत शब्द ही है गठबंधन। वो कैसा क्रिएट करेगा, कैसी रचना करेगा अपने हाथ से। मैं तो पहली बार इंदौर में जब गया तो मैं तो हैरान था, इंदौर के लोग श्रीखंड, सब्जी, पूड़ी और सेब, हाँ हाँ जी, एक साथ मिला के कैसे खा सकते हैं। लेकिन वो अद्भुत दृश्य, मतलब वो तो कमाल है भाई उस तरह का। वो जो मैं फिर कह रहा हूँ कि खाने वाले को जितनी ऑटोनॉमी और खूबसूरती भारतीय खाना देता है, उतना कम खाने देते हैं। वरना आप पिज़्ज़ा को एक ही तरीके से खाओगे, एक ही तरीके का होगा, बर्गर में क्या धरा है, सैंडविच इतना बोरिंग है, तो ये क्या खाने हैं। तो दृश्य यानी जो देख रहे हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, जो पढ़ रहे हैं साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य, और जो हम सुन रहे हैं बढ़िया संगीत, और जो हमारी जुबान पे चढ़ रहा है स्वाद, इस सबसे एक कंप्लीट एक ह्यूमन डेवलप होगा, होता है, होता ही है। और मुझे आपसे कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप चीज़ एंड वाइन पे जाएंगे ही जाएंगे तो और भी अच्छा है, बढ़िया है। रमाशंकर जी, आप तो मध्य प्रदेश में थे, योजना मंत्री भी थे, अशोक जी भी उन दिनों मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में, ऐसे कैसे हुआ कि आपने डाकुओं पे तो आपकी नज़र पड़ गई पर अशोक जी पे नहीं पड़ी। नहीं, अशोक जी पे पड़ी, अशोक जी पे मेरी नज़र पड़ी, और पहली नज़र में उस समय जब, क्योंकि भारत भवन, नहीं वो तो बाद में बना, नहीं अस्तित्व में उसकी भूमिका बन रही थी, इतनी सारी अकादमियां बन रही थी। अशोक जी का तो सबसे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल पीरियड जो है वो भोपाल का वो समय। अशोक जी सन 77 में क्या कहते हैं, संचालक लोक शिक्षण थे, DPI, क्या बोलते हैं, DPI डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे। तो मैंने इनसे एक बार कहा कि एक स्कूल हमें खोलना है गाँव में, तो उन्होंने कहा मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कैसे खोलना होता है, मैं बता दीजिए। तो तब से नज़र है, लेकिन राजनीति में कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियाँ इसलिए होती हैं कि हम एक पक्ष के बन के रह जाते हैं। हमारा ये पक्ष है, हम इस पक्ष को नहीं छोड़ेंगे। तो आँखें बंद होने लगती हैं, कान जरा जानबूझ के गलत सुनते हैं। अशोक जी को मैंने विधानसभा में बहुत इनके बारे में गंदी गंदी बातें बोली हैं, और वही अशोक जी के सामने मैं निरस्त्र हो गया भारत भवन बनने के बहुत बाद, जब मैं पक्षहीन या पक्ष मैंने छोड़े, तो तुरंत समझ में आ गया कि कहाँ क्या चीज़ है। तो जैसे मैं तो अब उससे ज़्यादा क्या कहूँ, जो पहले कह चुका हूँ, उन पर नज़र थी, उनकी नज़र बेशक मुझ पर नहीं थी, और होनी भी क्यों चाहिए। लेकिन अशोक जी ने जो वहाँ किया है, और जहाँ भी जो किया है, वो उस पर सब तो पूरे देश की नज़र है, आप चिंता ना करिए। उनका नाम कई मामलों में अमिट है। रमाशंकर जी, अभी जो आपने ये बात बोली कि एक किस्म की कट्टरता, यानी कि जैसे ही आप एक विचारधारा विशेष पे या विचार विशेष पे जब आप उसका समर्थन ही नहीं बल्कि उसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं जब आप उसको, तो एक किस्म का अंधापन पैदा होता है, एक किस्म की कट्टरता पैदा होती है। आज कुछ समय वैसा है क्या सामाजिक स्तर पर? राजनीति तो आ ही जाएगी फिर, क्या अंधापन है ये? आज घनघोर अंधेरा होने के कगार पे हम खड़े हैं।
कट्टरता अघोषित रूप से स्थापित हो रही है। जो घोषित रूप से कट्टरता फैला रहे हैं उनको राज्य सत्ताएं रोक नहीं रही हैं, और इसलिए ये जो लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पता नहीं हम लोग ठीक देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले ख़ास तौर पर 6-7 सालों में एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है। कल मैं एक कांग्रेस के बड़े नेता को इसी बात पर करीब करीब बहुत ज़्यादा सख्त शब्दों में कह के आया कि ये तुम्हारी वजह से है कि तुमने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जिसमें लोग एक ख़ास स्किल में तो ट्रेन हो गए, नौकरियां पा गए, लेकिन भारत से डिस्कनेक्ट हो गए पूरी तरह से। इस साल वो 10 करोड़ नए वोटर बने, 2014 में वो 8 करोड़ नए वोटर थे, ये 18 करोड़ नए वोटर, इनको अंधेरा और इनको रोशनी दोनों नहीं दिखती है। ये एक रास्ते पे चले जा रहे हैं, इनको खुद नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं। अगर कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि मिलकर के इनको कोई रास्ता दिखा पाए, उसमें गड़बड़ ये है कि ये सब के सब जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये अपने ककून में, अपने खोल में मस्त हैं। मस्त यानी मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा हूँ, अपने काम में लगे हुए हैं आप लोग, लिप्त संलग्न हैं, अपने काम में लगे हुए हैं सब लोग, और वो काम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा समय तो निकालना पड़ेगा जब आप 14 साल के बच्चे से, लड़की से वो सब चीज़ें बताएं जिन चीज़ों के कारण हिंदुस्तान, भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी तोड़ के खड़ा हो गया और हम आज़ाद हो गए और लोकतंत्र पा गए। उनको लोकतंत्र का अर्थ आज नहीं मालूम है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम जो भी करें, हमें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, न सिर्फ परिवारों में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में। अगर आप एक स्कूल नहीं पकड़ सकते और वहाँ ऐसी में जो आज हम बात कर रहे हैं वैसे उस रूप में नहीं करनी है, हमें वो उदात्त आदर्श मानव सभ्यताओं के, मानवता के, ये सिर्फ उन पर बात करनी है। और इस तरह के जब हम बात करें तो हमारे पास ढेर उदाहरण हैं। हमारे पास ऐसा आदमी जो हजारों साल में एक आध बार किसी समाज में पैदा होता है, हम उसको भूल गए हैं, वो गांधी को भूल गए। गांधी जैसा आदमी कहीं हो, मतलब बुद्ध के बाद गांधी पैदा हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन हम गांधी को नहीं जानते, हम गांधी को नहीं पढ़ते, हम अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते। गांधी के बारे में दुष्प्रचार की शुरुआत अब होने वाली है। अभी तक नेहरू की थी कि नेहरू आसान टारगेट है, लेकिन आप देखेंगे कि ये कितना निकम्मापन है कांग्रेस का कि नेहरू पर इतना अटैक हुआ झूठा, पिक्चर्स को मॉर्फ करके, फोटोशॉप करके, किताबों में गलत सलत सेंटेंस जोड़ करके, और ये बताने की कोशिश की गई कि भारत का पहला प्रधानमंत्री अय्याश, निकम्मा, औरतखोर था, जबकि तथ्य इसके एकदम विपरीत है। और उसने भारत की ऐसी बुनियाद रखी, एक ही गलती हुई शायद उनसे कि स्कूली शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण ये पौध और ये पीढ़ी हमारे सामने आ गई। तो हम उस पर गुस्सा नहीं करें, ये हमारी गलती है, ये हम सब की गलती है। इसलिए इस बुनियाद पे जाना चाहिए, और जैसे भी हो हमें बुनियाद को ठीक करना पड़ेगा। इसमें 10 साल लगें, 15 लगें, 20 लगें, उसके बगैर कोई आप उम्मीद मत करिए, क्योंकि प्रोग्राम उनका 50 साल का है सत्ता में रहने का, यानी 3 पीढ़ियां निकल जाएंगी और ऐसे ही निकल जाएंगी। मैं देखिए फिर कह रहा हूं, लेकिन 70 साल में कांग्रेस वो बुनियाद क्यों नहीं बना पाई? वो
उसकी फेलियर है कांग्रेस पार्टी को। मैं इसीलिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले थोड़े ही हैं या उसके समर्थक थोड़े ही हैं। हम नहीं मानते कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है सब ठीक किया है, गलत किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया है जी, अच्छा भी किया है। तो वो उसका तो अभी बीड़ा हमको उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पीढ़ियाँ जो हैं, इस मामले में रवीश ठीक कहता है, रवीश कहता है कि दंगाई बन जाएंगे हम लोग, हमारी पीढ़ियाँ दंगाई बन जाएंगी। बाहर कोई आदमी दिखेगा, दाढ़ी दिखेगी, हम उसको पकड़ के मारेंगे। हमने एक बार करके देख रखा है 1984 में वही लोग थे जिन्होंने चीन चीन के जान जान के पहचान पहचान के लोगों किया, वो फिर से होने वाला है, हो रहा है। और इस देखिए, ये जो फासिस्ट शक्तियाँ होती हैं ये आपसे ज़्यादा संगठित हैं, किसी से भी ज़्यादा संगठित हैं, और लोकप्रिय होना उनका उनकी ट्रेनिंग है, वो लोकप्रिय होंगे। लेकिन उसका मुकाबला मैं आज फिर कहता हूँ, हमें किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ गांधी के तरीके से करना होगा। अगर हम कर पाएंगे तो वो लोग हटेंगे, वरना नाम बदल जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा, पार्टी का नाम बदल जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा। अंधेरा समाप्त करना है तो घर घर में बच्चों को रोशन करना पड़ेगा, यानी रोशन दिमाग करना पड़ेगा। रमाशंकर जी, गांधी के संदर्भ में जिस तरीके से उनकी सार्वजनिकता की जो बात होती है, और ये माना जाता है कि गांधी का लगभग व्यक्तिगत कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो सार्वजनिक ना हुआ हो, इसीलिए वो गांधी भी हैं। यानी कि हर किसी व्यक्ति का एक जो व्यक्तिगत है वो सबका सार्वजनिक नहीं हो पाता। अब हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं, और आने वाले समय की चुनौती ये भी है कि आपके पास मोबाइल है, एलेक्सा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और तमाम ऐसी नई तकनीकें हैं कि आप जीवन भर कितने कदम पैदल चले आपको एक घड़ी बता देगी, आपने कितने वाक्य बोले आपको एक दूसरा यंत्र बता देगा, और फिर उसके बाद कहा जाएगा जब मृत्यु होगी तो लिखा जाएगा कि भाई सब कुछ पता है, एवरीथिंग इज डिकोडेड। सार्वजनिकता एक वो भी आएगी कि आपका कुछ निजी, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। और फिर एक समय आएगा जो बोलेगा कि देखो पूरा समाज गांधीमय हो गया क्योंकि सबका जीवन सार्वजनिक है। ये जो गांधी का जो पतन जो है, और ठीक ऐसे ही समय पे आप ये बात रख रहे हैं कि ये 50 साल की तैयारी है, ऐसे समय में लगातार गांधी के विचार को ईंट 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 के साथ ऐसा खोखला करते जाना, और तकनीक इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है। निश्चित ही जो अमेरिका में बैठी जो कंपनी है उसके कोई उद्देश्य गांधी को स्खलित करने का नहीं हो, या हो तो वो भी एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकनीकें भी एक किस्म के नए औजार और नए हथियार के साथ सामने आ रही हैं, जो कि नई किस्म की हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा ये जो बहुत सारे गांधीमय समाज के नाम पे जो होने वाली है वो गांधी के नाम पे होने वाली है। आप ठीक कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन के जो टूल्स हैं वो जानबूझ के या अनजाने में मिस इन्फॉर्मेशन, बल्कि मैल इन्फॉर्मेशन के टूल्स हो गए। जहाँ से हमें बहुत जानकारी मिल सकती थी वहाँ से हमें बहुत सारी गलत जानकारी ही मिल रही है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हर ह्यूमन माइंड को में वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, वरना वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है, चूंकि वैल्यू सिस्टम नहीं है तो आजकल की नौजवान पीढ़ी मैल इन्फॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन को डिकोड ही नहीं कर पाती है कि सही में वास्तव में है क्या। और ये जितने यारे यंत्र, देखिए यंत्र अब रुकने वाले नहीं हैं, तो टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी, इसलिए कि उपभोक्ता का बहुत बड़ा बाजार है, तो यंत्र बनते जाएंगे। यंत्र का इस्तेमाल जो सत्ता होगी ना, सत्ता अपने मर्जी से करना चाहती है। सत्ता माने सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, हर तरह की सत्ता। तो इस सब का रास्ता क्या है, मतलब हम लोग कहाँ से रास्ता निकलेंगे? रास्ता तो एक ही है ना, रास्ता वही है कि आपको हर नौजवान को टच करना पड़ेगा, बातों से, कविताओं से, पेंटिंग से, किसी भी तरीके से। जाहिर है कि देखिए जितनी चित्रकारी जगत के लोग हैं, आप देख लीजिए एसआर सबको देख लीजिए, वहाँ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है?
पेंटर्स में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, या कट्टरवादी सोच के लोग कहाँ बड़े पेंटर बने हैं? एक आध नाम हो सकता है कोई होगा, लेकिन भारत में जितनों को मैं जानता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कट्टरवादी सोच के लोग सृजनात्मक कलाओं में हैं, रचनात्मक कलाओं में नहीं हैं। वो कट्टरवादी सोच वैसी वर्चस्व में अभी आई कहाँ थी, वो तो अब आई है। अब आई है तो अब पहचान भी हो जाएगी। देखिए, ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम पहचान हो जाएगी तो हम बड़ों की जंग जीत जाएंगे। यही समय है और ये समय में रास्ता निकलेगा। आप निराशा के कर्तव्य करते रहिए, हाँ, मतलब हम निराश भी ना हो, आशावाद भी रहें और जो हमारे काम है वो हम पूरी तरह से करते रहें। लेकिन मैं एक बात अंत में अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जिनसे हमारा विरोध है उनसे भी संवाद सतत बना रहना चाहिए, और जिनसे हमारा विरोध है हम उनको उस भाषा में कभी एड्रेस नहीं करें जिस भाषा में वो हमको करते हैं। वो देशद्रोही कभी नहीं है, अगर हैं तो आप उसको कहिए तो बिल्कुल ही मत। मैं नहीं मानता हूँ कि देशद्रोही है। हाँ। उनकी समझ देश की गड़बड़ है। हाँ। उनकी राष्ट्र की समझ जो है ना, हाँ, वो गड़बड़ है। उनको इतिहास की समझ गड़बड़ है, वो बेचारे नहीं जानते। तो इसीलिए वो हमेशा संवाद से बचते हैं। और आपसे एक आध बात बोलेंगे, आप पाकिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो, कब छोड़ रहे हो? आजकल तो मेरे फेसबुक पे खूब आ रहा है, कब देश छोड़ रहे हो? और मेरे स्टूडेंट्स ही कहते हैं, जो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कि देश कब छोड़ रहे हो? तो मैंने कहा, देश के लिए तो मैं मरूंगा, और मेरी मौत सबसे अच्छी तभी होगी जब मैं पुलिस या सेना की गोली के से छाती पे लेते हुए मरूं, रेजिस्टेंस में मरूं, प्रतिरोध में मरूं, क्योंकि वह मेरी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए और इस पीढ़ी के लिए जो इस समय अंधेरे की तरफ चल रही है। मेरी अभी कनुप्रिया से दिल्ली में, बड़ौदा में बात हो रही थी, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आपकी जिस किस्म की फेसबुक पोस्ट होती हैं, जो कि बहुत ही धड़ल्ले के साथ अपनी बात रखने वाला, बिना किसी डर के, तो मैं कनुप्रिया से कह रहा था कि आप गुजरात जैसी जगह में एक शैक्षणिक संस्था चलाती हैं, और गुजरात जैसी जगह में एक ऐसे इंसान की बेटी होना, एक ऐसे व्यक्ति की संस्था होना, ये चला कैसे? क्योंकि सब कुछ बड़े सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सब कुछ ठीक चल रहा है, एडमिशन फुल हो रहे हैं, कॉलेज में पूरी रौनक है और सब। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। वो अपनी विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा के जो मूलभूत उसूल हैं उन पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, यहाँ जिसके कारण कि कोई ऐसा लूप होल गवर्नमेंट को मिल नहीं सकता। शायद इसी शर्त पे रजा फाउंडेशन भी चलता है, इसी के कारण। एक देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आज से ये सब बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बहुत पहले से लिख रहा हूँ। हाँ, और बहुत कभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, और नहीं हुआ इसलिए नहीं कि अभी कुछ मिला नहीं। अगर मिल जाता ना एक पैसा भी, अगर हमारे यहाँ, हम तो जब से बने हैं तब से हमारे यहाँ कैपिटेशन, पेमेंट, डोनेशन, ये तीनों चीज़ें बैन हैं। इसलिए एक पैसा ब्लैक मनी नहीं है कहीं भी, जबकि जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं उनके यहाँ तो सुना है कि हजारों करोड़ रुपया वो इधर उधर लगाए रहते हैं। तो एक तो है कि जब, अगर हम शुद्ध नहीं होंगे या पवित्र नहीं होंगे अपने कामों के जरिए, तो आपको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। हम अगर ट्रैफिक वायलेट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ट्रैफिक वायलेट नहीं करना है, उस तरह से रूल्स को वायलेट नहीं करना है। दूसरा है कि जब आप जिस जगह हैं, अब यहाँ आप इस गैलरी में जो एंट्री करेंगे वो देख के थोड़े देंगे, पूछेंगे थोड़े कि आप किस राजनीतिक विचार के हो, तब एंट्री आपकी होगी। आप तो सबको इन्वाइट करोगे, और ये धर्म है हमारा कि जो गैलरी में आए उसको अच्छे से सबसे ट्रीट करिए, कैसा ही हो। वैसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का है कि वहाँ हम जानते हैं कि संघ के परिवारों से बच्चे आते हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आशंका करते थे कई लोग, तो वो नहीं करने देंगे। बच्चों के बीच में कोई भेदभाव का सवाल नहीं उठता है, एक तो बात ये हुई। दूसरा, गलती ना करो, नियम पालन करो, जो कानून है उसका पालन करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा।
और होगा तो क्या हो जाएगा भाई। हम पहले बचपन में एक साइकिल लेके घूमते थे दिल्ली में, यही पैदा हुए, यही पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामा मस्जिद पे जाते थे। आप लोगों को बड़ा उस मज़ेदार दिनों को मैं याद दिला दूँ, अशोक जी जब कभी नाश्ते की दिक्कत आती थी कि भाई सुबह कुछ हैवी नाश्ता कर लो तो रात वात को देखेंगे, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ठीक है। तो जामा मस्जिद पर उन दिनों एक चाय वाला बैठ, एक नहीं दो तीन चार चाय वाले बैठे रहते थे, जिनके कढ़ाई वो जो समोवर टाइप का होता है उसमें खोलता रहता था चाय, और अलग से दूध रखते थे और दूध की मलाई ज़रूर डालते थे। वो जो मिलिट्री के मग होते हैं ना बड़े बड़े स्टील वाले, वो भरा हुआ चाय का और साथ में एक बड़ा बन, तो शायद 15 पैसे या 20 पैसे में मिलता था। तो 20 पैसे में वो जाके सुबह बढ़िया नाश्ता करिए, खाना मिला नहीं मिला क्या फ़र्क पड़ रहा। तो उस जिंदगी के लिए तैयार रहिए, अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक जेल, उसके लिए तैयार रहिए। ये तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। और क्या होगा, जुलूस में गोली, उसके लिए तैयार है। तो जब आदमी निश्चित कर ले कि ये करने के लिए तैयार है तब कोई खतरा नहीं है। मैंने सबसे कह रखा बच्चों से कि भूखे मरने के लिए तैयार रहना, या कुछ ऐसा कमा लेना कि मतलब रोज रोज का रोज की रोटी रोज हो जाए, तो ये करना पड़ता है। ये जब स्ट्रगल्स होते हैं बड़े तो इसी मानसिकता के साथ तैयारी होती है। तो इसमें हम कोई संकोच नहीं है, बल्कि चाहत है कि ऐसा कभी हो, और हो जिससे कि हमारा मेटल टेस्ट हो। हो सकता है हम डर जाएं, संभव है, डर जाएंगे तो कायर कहलाएंगे, और नहीं डरेंगे तो कम से कम दो लोगों की नज़रों में तो अच्छे रहेंगे कि देखो डरा नहीं इंसान। तो न डरना, डर ना होना, ये बहुत जो रेयर चीज़ होती जा रही है, ये भी गड़बड़ है। तो ऐसी कौम पैदा करें सब लोग मिलके जो डर ना हो किसी का। लेकिन देखिए, पूरी टेक्नोलॉजी और एक जो सोशल कॉन्शियसनेस है, जो पूरी साइंस है, वो तो इस बात पे काम कर रही है कि जो आपका सुरक्षित रहना एक अलग बात है, और किस तरीके से आप सुरक्षित बचे रहें, इसका निडरता से या डरने से कोई संबंध नहीं है। मैं उदाहरण ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो युद्ध हो रहे हैं उसमें एक ड्रोन जाता है, वो बम वर्षा करके वापस आ जाता है, कोई आपका पायलट उसमें हताहत नहीं होगा, जो टारगेट है उसको आपने शूट कर दिया, सुरक्षित लौटने की जो भावना जो एक समय पहले तक थी, अब वो आइडिया ही नहीं बचा। जो आप जिस गोली की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह अब वो हो गया, आने वाले समय में अकेले गोली से, देखिए बामिया बुद्धा एक तरफ तोड़ दिया गया, विद्यासागर जी की मूर्ति दूसरी तरफ तोड़ दी गई, सरदार पटेल की एक भव्य लेकिन फूहड़ मूर्ति बीच में पूर्व और पश्चिम के बीच में बना दी गई, ये मूर्तिकाल है ये। हमारी कलाकार समाज का, हम एक आर्ट गैलरी में बैठे हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई उसके एस्थेटिक्स पे बात नहीं करता, कोई इसको लेके ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, कोई अपना विचार नहीं रखता। लेखक लोग कुछ करेंगे, डांसर्स का भी वही हाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों का अपनी जो एक कंफर्टेबल जोन है, हमारी जो एक इमीडिएट आइडेंटिटी है कलाकार नाम की, हालांकि कलाकार होना एक अलग बात है, कितने कलाकार हैं इस पे भी एक चर्चा मतलब क्रिटिक है नहीं, तो बहुत ही मीडियोकर सिचुएशन है। और ऐसे में जो एक कॉन्फिडेंस जो सोशल कॉन्फिडेंस है वो कमाल का बड़ा है, एक विरोधाभास की विचित्र स्थिति है, और देश तरक्की कर रहा है। मैं अब कुछ लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा इस चर्चा में। एक सेकंड में ये कह दूं कि जब आप ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसमें ड्रोन गया और बॉम्ब करके लौट आया और सुरक्षित मतलब कोई खतरा नहीं है, वहाँ एक और चीज़ होती है कि अपना ही जहाज गया, अपनी ही तोप ने उसको गिरा दिया, अपने ही लोग मार डाले ये भी तो होता है। तो असुरक्षा तो हमेशा, जो दूसरों को मारने जाएगा वो असुरक्षित तो रहेगा ही नहीं, उसमें वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही मैनलेस वॉर्स होंगे, लेकिन मरेगा कौन? नहीं नहीं वो तो मतलब मैं तो मारने वाला ही तो वो है ना, मशीन है, लेकिन मार किसको रहा है? देखिए
दुनिया में जो यही तो तय होगा ना कि मारने वाला कौवा था, मरने वाला कौवा था। दुनिया में जो तकनीक है वो सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बात को लेके जिस फाइननेस पे आना चाह रही है, वो जिस नैनो पे आना चाह रही है, वो नैनो इसी बात का है कि किस तरीके से आपकी आयु बढ़ जाए, यानी कि किस तरीके से आपकी मृत्यु की संभावनाएं कम हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम दुनिया पे राज कर सके, यानी कि हिंसा के जो नए तरीके जो ईजाद होने वाले हैं, जीनोसाइड के जो नए तरीके ईजाद होने वाले हैं, उन पे भी चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल एकदम इसमें सही है, और वो विचार, वो चीज़ विचार से है जी। नया जो जेनोसाइड होगा वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली, और वो विचार का है, आदमी के इंसान का दिमाग में जो विचार आ सकते हैं वो पहले ही खत्म हो। देखिए इस अभी ये जो दो तीन दिन में चुनाव के जो रिजल्ट है, मैं चुनाव के रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रिपोर्ट को देखें तो अब जो इंडिविजुअल है, जो संख्या जनसंख्या है, वो एक डेटा है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है उसमें, वो एक डेटा है। तो यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया गया एक आइडिया में, और जिनोसाइड जो है ये आइडिया का होगा। मेरे ख्याल से आई वॉन्ट टू इंक्लूड, आप सबसे आग्रह है कि अगर कहीं पे कुछ। सर आपने कहा कि विचारों की लड़ाई है और अंधेरे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो अंधेरा किसी ज़मीन पे तो पैदा हुआ, उस ज़मीन को खाद पानी देने वाले लोग उसी ज़मीन पे काम करते रहे जिस पे शायद कांग्रेस थी या आज़ादी से पहले के लोग थे। ज़मीन देने वाले कौन थे, तो गलती किसकी, जिसने अंधेरा पैदा कर लिया या जिसने वो ज़मीन रहने दी वहाँ पर? वो दोनों ही जिम्मेदार हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनको बरी नहीं कर सकता उतने बड़े आरोप से जो आप लगा रहे हैं। ये गलती उनकी है जो 55 साल तक सत्ता में लगातार थोड़े बहुत ब्रेक के साथ रहे। उनको उनकी दिमाग उनकी नज़र से ये कैसे चूक गया कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी सरकार के नाते क्या है? ये सड़क बनाना, मॉल बनाना, ब्रिज बनाना, ये मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ये बनेगी, ये बनती रहेंगी, लेकिन जो इंसान बनाने की मुख्य जिम्मेदारी है या इंसान को ठीक रखने की जिम्मेदारी, उसमें प्रमुख राजनीतिक दल सभी फेल हुए हैं सब। और ये राजनीति की फेलियर है हिंदुस्तान में कि ये नौ बताई। सर हम समझ रहे हैं कि पहले ये सब हुआ, गलत हुआ, ये जो राजनीतिक विचारधारा बनाई गई, सब कुछ किया गया, हम पिछला तो सब समझ रहे हैं, पर आज का क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? आज जो हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, इसको समझने को तैयार नहीं है लोग। सारे बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, पुराना इतिहास जानते हैं, आज़ादी के समय का इतिहास बताते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, सारा इतिहास बताया जा रहा है, सब कुछ पता है। तो आज उसको क्यों नहीं समझ रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? विरोध पहले भी हुआ था, आप जेपी मूवमेंट में विरोध हुआ कांग्रेस का, इमरजेंसी का, पर आज जो इमरजेंसी है उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? उसके बारे में सब क्यों चुप हैं? वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। आप मानवीय दिमाग और उसका दिल और उसके विचार और उसकी खुद की गरिमा सुंदरता, उस पर भरोसा रखिए। अभी 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 वक्त है, सब कुछ लुटा नहीं है, होना शुरू हो गया है, तो ये ऐसी बातचीत भी तो होनी शुरू हो गई है, तो इसमें उम्मीद रखिए क्योंकि ठीक ही होगा ये जी। सर हमें ऐसा क्या वैल्यू सिस्टम बनाना चाहिए जिससे आज का यूथ भी इक्वली पेट्रियोटिक रहे? बिल्कुल। व्हाट आई फील इज़ कि जो जैसे मेरे एज के लोग हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जो अभी काम शुरू कर रहे हैं, सब बाहर जाना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें इस देश में, हम यूथ भी और बड़े भी मिलकर ऐसा क्या वैल्यू सिस्टम बनाएं कि पेट्रियोटिज़म वापस आए? देखिए पेट्रियोटिज़म कोई अलग से डोज नहीं हो सकता है। जब आप इस धरती पर पैदा हुए हैं, इस भूभाग पर, यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी, फल, सब्जियाँ, भोजन, लोग, संस्कृति, कलाएँ, इस सब के बीच में हैं, तो वो स्वतः पैट्रियटिज़्म पैदा होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो जितना इस भूभाग से दूर रहता है उतना ही देश प्रेम की चिल्लाहट करता है, उसका गिल्ट जो है ना भीतर से, वो बोलता रहता है कि हमें बहुत चिल्लाना है, देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम तो एक बुनियादी बात है, लेकिन देश रहेगा कब? धरती खत्म हो जाएगी तो देश रहेगा आपका? इसलिए ऐसे मत सोचिए कि देश कोई ऐसा द्वीप है
जब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी तो भारत बचा रहेगा। तो विश्व के प्रति प्रेम, धरती के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम आपका देश प्रेम स्वतः बनाएगा। तो हम अपने देश को भी देखेंगे। अब बाहर आप कभी कभी जाते होंगे, देखते होंगे कि कितना सब सुंदर है, तो आपको लगता होगा कि भारत भी इतना अच्छा हो, हैं? तो वो आएगा। वो दरअसल में दोनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए, भारत माता की जय तो धरती माता की जय भी। ये धरती माता के बगैर भारत माता कुछ है नहीं। अगर भारत, जवाहरलाल जी ने एक बार कहा ही था, आज़ादी ये नारा आज का नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी ये लगाते थे। तो किसी ने पूछा नेहरू जी से उस समय, आज़ादी के पहले, कि भारत माता कहाँ है, हमने तो बहुत माताएं सुनी हैं, फिर माता तो रोज़ बनती रहती हैं, संतोषी माता बीच में बन गई थी, आजकल कहीं नहीं है, ये भारत माता कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा भारत माता माने भारत के लोग, भारत की जनता। तो जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो असल में हम भारत की जनता की जय कहते हैं। तो जो जनता है, जनता है ना सब लोग, कोई छोड़ मत देना उसमें। जनता है ना सब लोग भी और स्त्रीलिंग भी है? जनता है ना सब लोग भी और स्त्रीलिंग भी है, ज्यादा इसीलिए माता है। ज्यादा स्त्रीलिंग ज्यादा, क्योंकि स्त्रियों पर जितना अत्याचार दुनिया में धर्मों के संरक्षण में हुआ है उतना किसी और पर नहीं हुआ है, धर्म का बहाना लेके। ये धर्म है जो शोषण के औजार हैं, वो स्त्री को भी दबाएंगे, दलित को भी दबाएंगे, दूसरे धर्म वाले को भी मारेंगे। तो धर्म को समझना होगा, तो वो उदारता के बगैर संभव नहीं। जब हम उदार होंगे तो सब चीज़ हो जाएगी। सर जैसा आपने कहा था कि, माफ़ी चाहूँगा, जैसा आपने कहा था कि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा मोदी बोलते हैं कि मैं गुजरात में, वो बोलते हैं लेकिन उसको काउंटर करने के लिए सामने से कोई क्यों नहीं आता? क्या वो लोग नहीं रहे अभी इस संसार में? मैंने उस पत्रकार को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप तो चुप रह गए, लेकिन आप एक आध बार हमारा भी करा दो कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। तो आज तक तो कोई जवाब आया नहीं, ना आएगा, वो संभव नहीं। देखिए, मीडिया पर कंट्रोल एक लोकतंत्र के मिटने की निशानी है, और कंट्रोल करना कितना आसान है। मैं भी आज ही सुबह सोपान जी से बात कर रहा था, किससे कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी संवैधानिक संस्थाएं बनी भारत में, लेकिन बुनियाद इतनी कमज़ोर रही, इतनी कमज़ोर बुनियाद रही कि एक दो तीन लोगों ने उस सारी चीज़ को हिला दिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है अगर सेशन है, और अगर सुनील चोपड़ा हैं तो गलत काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ठीक काम कर रहा है अगर पर्टिकुलर CJI है, दूसरा आ गया तो गलत काम कर रहा है। तो संवैधानिक संस्थाओं की बुनियाद भारत में बहुत कमज़ोर है। उसका कारण है सत्ता ने कभी इनको आज़ाद करने की सोची नहीं ठीक से, और ये जिम्मेदारी मुख्यतः कांग्रेस की है। इसलिए कि अगर ये तय हो जाता कि इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियाँ सरकार नहीं करेगी, उसका एक तरीका तय हो जाता, वो निष्पक्ष होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो आज ये नौबत आती सुप्रीम कोर्ट में। आपको हैरानी होगी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप एक बार लिस्ट उठा के देख लो, फलाने का लड़का जज, फलाने की भतीजा जज, उसका भाई जज, इतना ज़्यादा गलत भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, यानी बुनियाद कमज़ोर है। उसका सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिलेक्शन होता ही नहीं है, पिक एंड चूज। वो चार लोग, पांच लोग, आजकल पांच हो गए हैं, पांच लोग बैठ जाते हैं कॉलेजियम के और तय कर लेते हैं किस किस को सुप्रीम कोर्ट जज बनाना है, और वो बनाना पड़ता है। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो बेस्ट माइंड है जुडिशल, कोई एक इम्तहान ही बना देते IAS की तरह कि बेस्ट जुडिशल माइंड्स का काम देखा जाएगा, जजमेंट देखे जाएंगे और उनके उनकी छवि देखी जाएगी, यानी उनके बारे में ओपनली आप साइट पर डाल दीजिए ये जज बनने वाले हैं, कोई शिकायत हो तो बताओ, शिकायतें आ जाती, उसकी जांच हो जाती। वो नहीं है, पांच लोग तय करते हैं। और मैं खुद अनुभव में हूँ, अभी हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हमारे शहर के, अभी अभी पता चला है दो दिन पहले कि उन्होंने अपने भतीजे को भी जज बनवा दिया और उसकी कोई काबिलियत नहीं है। तो संस्थाएं कमज़ोर हैं, उसकी बुनियाद कमज़ोर है। ये जिम्मेदारी आज की नहीं है, ये जिम्मेदारी पहले की है। और ऐसी सब
सारी संस्थाएं हमने कमजोर बना के रखी। अशोक जी आप नहीं, मैं तो सिर्फ जो देश प्रेम की दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो निराशा का कर्तव्य ये है कि बावजूद बढ़ते अंधेरे के हम रोशनी की का इंतजार करते रहें, एक कर्तव्य तो ये है। अपनी ओर से ये भी कोशिश करते रहें कि इस अंधेरे को अंधेरा कहा जाए, क्योंकि आखिर ये काम कौन करेगा? ये काम कलाकार और लेखक वो करेंगे। पिछले 5 वर्षों में दो बातें ध्यान देने की, सबसे अधिक प्रतिरोध लेखकों ने किया, सबसे कम प्रतिरोध कलाकारों ने किया, उससे भी ज्यादा कम प्रतिरोध शास्त्रीय संगीतकारों और शास्त्रीय नृत्यकारों ने किया है। बल्कि शास्त्रीय कलाकारों ने तो एक दल विशेष के पक्ष में अपील जारी की, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी की थी। तो मैं तो अपनी मूर्खता में ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे पहली बार उनकी अपील पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी, वैसे इस बार भी इस अपील पर ये सरकार शायद हार जाए। मैंने अपने मन में एक ये टोटका बना रखा था। अब तीसरी बात ये है कि लेखकों ने अपना पाला नहीं बदला। उनमें से जो अभी दो अपीलें जारी हुई, एक लेखकों की तरफ से अपील जारी हुई कि नफरत और भेदभाव और कट्टरता फैलाने वाली शक्तियों को सत्तारूढ़ होने से रोका जाए। एक दूसरी अपील जारी हुई जिस इसमें करीब 200 लोग थे जो पूरे भारत से थे, और उसमें कम से कम 40-50 नामी लोग थे जिनको आप जानते हैं कि ये बड़े लेखक हैं, बंगला के या मलयालम के या गुजराती के, जो भी। ये जो 200 से अधिक लोगों की सूची जारी हुई जिसमें अपील की गई कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसमें हिंदी के 3 या 4 लोग थे। मतलब मुदर्रिस बहुत थे लेकिन वो अज्ञात कुलशील थे, उनको कोई जानता नहीं कौन है। तो जो 3-4 लोग थे, मैंने इस पर भी टिप्पणी की है कि उनमें से कोई किसी ने कभी अपने साहित्य में हिंदुत्व के पक्ष में कुछ लिखने की कोई चेष्टा नहीं की। मैंने तो यहां तक कहा है कि हिंदी भाषा में बहुलता समरसता के विरुद्ध और हिंदुत्व के पक्ष में कुछ लिखना संभव ही नहीं। साहित्य में, पत्रकारिता में संभव है, राजनीति में संभव है, इत्यादि इत्यादि। और मुझे याद आई एडमंड बर्क की। एडमंड बर्क ने जब अमेरिकन कॉलोनीज को स्वतंत्रता देने की बहस हाउस ऑफ कॉमन्स में हो रही थी तो एक वक्तव्य दिया और कहा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच यू हैव ऑलरेडी ग्रांटेड टू द कॉलोनीज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन विच यू कैनॉट आर्ग्यू अगेंस्ट फ्रीडम, देयरफॉर बाय गिविंग द कॉलोनीज इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव ऑलरेडी ग्रांटेड देम फ्रीडम। दिस वॉज द इंपीरियल प्राइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये बड़ी महत्वपूर्ण, उसको अंग्रेजी गद्य का बड़ा भारी नमूना माना जाता है। देश प्रेम की जो बात हो रही थी, तो मध्य प्रदेश में एक बार टेक्स्ट बुक का कुछ, तो मैंने देखा कि एक बाल भारती जो मेरा बेटा या बेटी भी पढ़ते थे, उसमें देश प्रेम के 17 पाठ, मतलब देश 17 पाठ। तो शिक्षकों की, शिक्षाविदों की एक बैठक में मैंने उनसे कहा कि इस पर तो आप सहमत होंगे कि आजकल लोगों में देश प्रेम बहुत कम हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। उनका अब देखिए बाल भारती, इसमें 17 पाठ, कुल 34 पाठों में से आधे पाठ देश प्रेम के हों, फिर भी देश प्रेम कम हो रहा है। क्योंकि देश प्रेम बढ़ो बढ़ो भारत संतान कहने से नहीं पैदा होता। देश प्रेम पैदा होगा जब आप उसकी फूल पत्ती, चिड़िया, नदियों, पर्वतों इत्यादि के बारे में प्रेम पैदा करेंगे, जैसे आपने कहा भी।
तो ये देश प्रेम की बड़ी पुरानी और बड़ी मूर्खतापूर्ण धारणा है कि देश देश कहने से देश प्रेम पैदा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो वैल्यूज की बहुत बात होती कि मूल्यों का बड़ा क्षरण हो रहा है और वैल्यू, तो वैल्यूज कैसे सिखाएंगे आप? एक वैल्यू का अलग पाठ रख देंगे या एक क्लास रख देंगे, उसमें कहा जाएगा कि सबको ये होना चाहिए, वो, इससे तो होगा नहीं। वैल्यू सिस्टम तो तब चेंज होगा जब आप गणित में भी सही ढंग का सवाल पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप 6 कारों में 5 कारें मिला दो तो कितनी कारें बनेंगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप कार को एक प्रमोट कर रहे हैं। जब आप ये कहेंगे कि 6 गेंदों में 5 गेंदे मिला दो तो क्या होगी, थोड़ा एक बिल्कुल, तो ये सब बहुत गंभीरता की बातें हैं। और आपने ठीक कहा कि दोष हम सबका है, हम अपने को बरी नहीं कर सकते, लेकिन अपना दोष कबूल करने के बाद कम से कम उस दोष से मुक्त होने की कोशिश तो अब भी कर सकते। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। मित्रों आभार, रमाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।